सत्ता का रसूख सिर चढ़कर कैसे बोलता है और उस रसूख की सनक में जनता के प्रतिनिधि कैसे बेकाबू हो जाते हैं, अगर उससे वाकिफ होना है, समझना है, तो संत कबीर नगर के रहने वाले बिजली विभाग के अवर अभियंता के पद पर तैनात अश्विनी कुमार पांडे के दर्द को महसूस कीजिए। आइए सुनते हैं उनके छलकते दर्द को। विधायक जी के मारपीट के खिलाफ जो है एप्लीकेशन लेकर कम सी ओ साहब के यहाँ देने आए हैं। 30 तारीख को जब हम विधायक जी के बुलाने पर उनके आवास पे गए थे तो उनके द्वारा और उनके समर्थकों और मुमताज ब्लॉक प्रमुख मरियावा द्वारा घेर करके गाली गलौज करते हुए अभद्रता की गई थी, मारपीट किया गया था हमारे साथ। उसके खिलाफ आज हम कंप्लेन देने आए हैं एस पी साहब के यहाँ। सीओ साहब कह रहे थे कि आप पहले समझ बूझ लो और हमारे कार्यालय आ जाओ, हम कार्रवाई जैसा होगा करेंगे। कैसा समझ बूझ लो, क्या समझाते, क्या कुछ बताएं, कैसे स्टैंड होना है, क्या करना है। अब पूरी बात जान लीजिए। संत कबीर नगर के बिजली विभाग में जेई के पद पर तैनात अश्विनी कुमार पांडे ने खलीलाबाद सदर से बीजेपी विधायक दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे और उसके समर्थकों पर संगीन इल्जाम लगाया है। उसे गाली देने और पिटाई करने का गंभीर आरोप लगाया है। अब जान लीजिए पिटाई किस लिए की गई, क्योंकि जेई अश्विनी पांडे ने खलीलाबाद कोतवाली में मौजूद गैस गोदाम के पास अवैध तरीके से बिजली के तार बिछाने पर रोक लगा दी। अब ये बात माननीयों में माननीय को रास नहीं आई, जिसके बाद बीजेपी विधायक ने जेई को अपने घर बुलाया, जहां विधायक जयराम मिश्र ने उसे गाली दी और उनके समर्थकों ने लात घूसों से जेई की पिटाई कर दी। अब यही दर्द दास्तां जेई ने पुलिस को सुनाई, बीजेपी विधायक और उनके गुर्गों के खिलाफ तहरीर दी। ये पांडे जेई हैं बिजली विभाग के, तो पोल को लगाने के लिए कहीं कोई किसी ने शिकायत की थी, उसे वार्तालाप हुई है विधायक जी से, तो अभी वो एप्लीकेशन जो दिया है हम लोग देख करके उसमें क्या प्रॉब्लम है उसको सुलटा लिया जाएगा। अब ये विधायक ने पीटा है मारा ना, ये तो अब जाँच के बारे में क्लियर होगा कि किसने क्या किया है, जो कहा गया है उसके बारे में जाँच की जाएगी। सर, क्या उसमें लिखा है, सर? आप क्या लिखा है? अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, उन्होंने दे दिया है, अब जो भी होगा वो जांच की जाएगी उसकी। बहरहाल अब मामला पुलिस के पास है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जनता के प्रतिनिधि को ये शोभा देता है।